हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस मैं हूँ जोनाली और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल लाइफ ऑफ जोनाली। और मैं और अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शाम का टाइम है, अभी 5:30 बज गया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो मुझे भूख लगा तो क्या खाओ, अभी कुछ पकाने का भी टाइम नहीं है। और इसी टाइम मुझे याद आ गया मेरे किचन में मेरे पास कुछ सामान है, वो मैं शेयर करेंगे। वो है असम का डिश है और वो बहुत ही टेस्टी है, चटपट बनने वाला है, तो ऐसे आप लोग भी बना के खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि असम में ऐसा क्या डिश है वो मैं आप लोगों के मतलब दिखाया नहीं है, कभी दिखाया होगा मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अभी मैं खा के आप लोगों को बताऊंगी, टेस्ट बताऊंगी क्या क्या चीज़ें चाहिए, खाने वाला चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस आप लोग देखते रहिएगा और ये कोई ईटिंग चैलेंज वगैरह नहीं है, बस मुझे भूख लगा है, मैं खाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप कोई ये खाया भी होगा और जो खाया हो तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी ये वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं जरूर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा गाइस। और अभी मैं किचन में जाती हूँ और मेरे पास क्या क्या सामान है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या खाएँगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं तैयार करती हूँ, मैं जो अभी खाने वाली हूँ वो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए गाइस। तो गाइस देख लीजिए, मुझे एक थाली की ज़रूरत है और ये मैं थाली में निकाल लिया। केला है, दो केला है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है लेकिन एक ही मुझे ज़रूरत है। और ये कुछ चावल का पाउडर है, ये जो लाल लाल चावल होता है ना, बड़ा वाला चावल, वो चावल फ्राई करके मैंने ये पाउडर बना हुआ है। तो ये है मेन चीज़ें, अभी खा खा के ख़त्म ही कर दिया है, अभी थोड़ा से बसा हुआ है फिर भी। अभी मैं ले लेंगे दो तीन सार चम्मच बहुत है और अभी मुझे भूख भी लगा है इसीलिए मैं सार चम्मच ले रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास और है मुरमुरा, देखिए ये मुरमुरा भी है, ये मुरमुरा मैं ले लेंगे, मैं हाथ से ले रही हूँ मुरमुरा। ये भी मतलब जितना आप खाते हैं उस हिसाब से लेना है मुरमुरा भी। तो अभी मुरमुरा बस हो जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगा। उसके बाद मैं ले लेंगे इसमें चीनी, देखिए चीनी भी, जितनी मीठा कितना खाते हैं उस हिसाब से चीनी लेना है, मैं 3 चम्मच चीनी ले रही। उसके बाद मुझे ये केले को निकालना पड़ेगा, तो इससे पहले मैं लेती हूँ ये दही। अब मैं ले रही हूँ दही, आप दही के जगह दूध भी ले सकते हैं लेकिन दही में ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो मुझे लेना है ये केला और अभी मैं खा के बताएंगे टेस्ट आप लोगों को कैसा रहेगा। तो गाइस अभी मैं ये खा के दिखाएंगे आप लोगों को, पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें आप एक और चीज़ ले सकते हैं, सीरा, जो पोहा बोलते हैं ना, कच्चा पोहा, वो ऐड करके खा सकते हैं, उसी में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए ये देख के तो हमारे आसाम के लोगों को तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो स्वाद है ना, असम की लोगों के जीभ में बसा हुआ है ये स्वाद। और ये खासकर हमारा संक्रांति में, बिहू में खाते हैं, वैशाख बिहू में, फिर मकर संक्रांति में ये बनाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होता है ये, तो ऐसे बना के खा सकते हैं। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है और इसका जो स्मेल है ना, उसका स्मेल सुन के ना बहुत ही मतलब स्मेल से ये खाने का मन करता है। तो मैं खाती हूँ, हाथ से ही खाने में मज़ा आता है। बहुत ही ज़्यादा है टेस्ट, इसको बोलते हैं गुड़ा हंडा। और उसमें
गाइस मैं खा के कंप्लीट कर दिया और खाने में मेरे एक फ्रेंड आ गया तो उसी के साथ भी बातें करने लगी मैं। तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ऐसे खा सकते हैं। पूरा थाली ख़त्म कर दिया और खा के मुझे बहुत मज़ा आया, साथ ही साथ मेरे पेट भी ठंडा रहता है क्योंकि दही है ना इसमें, और दही तो ऐसे ही अच्छा होता है। और आप लोग भी ऐसे अगर चावल के आटा बनाते हैं तो ऐसे खा लीजिएगा। और ये असम का एकदम फेमस डिश होता है जलपान, असम का ये फेमस डिश है और इसको जलपान भी बोलते हैं। कोई गेस्ट जाते हैं तो हमारा ये वाला जो डिश है ना वो सर्व करते हैं, खासकर मकर संक्रांति में। और बीच बीच में हम लोग ये बना के खा रहे हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख के हम लोग ये कभी जब भूख लग जाता है तब हम ये खाना खा लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमारा असम का ये डिश आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।